आप देखते होंगे जिस भी एरिया में एजुकेशन अगर बढ़िया है तो वहाँ का क्वालिटी, वहाँ का रहना, वहाँ का सारा कुछ अलग रहेगा। ऐसा तो उस जगह पे जहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ का क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे पूरे लाइफ को एक तरह से शेप करता है, हमारे रहन सहन का, हमारे पढ़ने का तरीका का, हमारा शेप करता है। बाकी यही एजुकेशन है जो इंसान का, एक आदमी जैसे कोई जॉब या कंपनी एक घटना हुआ था, हम लोग का डेली दोस्तों का, तो किसी ने वो बोल रहा था कि मेरा क्या कंपनी में सैलरी मेरा 15,000 रुपये है और डेली का हटाना हो रहा है, असर नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला तुम्हारा जो और खर्चा है वो लोग का सैलरी कितना है, तो वो बोल रहे थे क्या कहते हैं का फोटो इस तरह से नहीं। तो मैं यही चीज से सोचा, उनको मैंने बताया कि भाई मुझे 15,000 रुपये मिल रहा था कि आपका क्वालिटी से चल रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी में अगर किसी को 40 मिल रहा है, किसी को 60 मिल रहा है, किसी को 1,00,000 मिल रहा है, या फिर तुम्हारे लिए कुछ बंद नहीं करता है, आपकी वही है वो कंपनी है, सब सब कुछ सेम है, लेकिन किस क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी कहाँ से आती है, एजुकेशन से आती है। तो मैं आप हमको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एग्जाम में जैसे कि कुछ चल रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को भी कुछ चीज करता हूँ। मैंने जब भी मैंने सर को मिला है तो मैंने इनको बोला है कि चाहे एजुकेशन आप किताबी करने का सिखाओ बच्चों को, बहुत जरूरी है कि सिलेबस का जो भी है वो तो सिखाओ बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी फ्यूचर में हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर हमारा चेंज होता जा रहा है, आज के बाद आप 5 साल के बाद जब देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल का गाड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 5 साल 7 साल के बाद पेट्रोल डीजल का गाड़ी खत्म हो जाएगा, 5 साल 7 साल के बाद हमारा लाइफ बहुत ऐसा चेंज हो जाएगा कि पूरा का पूरा स्मार्ट में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ऐसा जगह है, आज भी आपका मोबाइल ले चुका है, बहुत ऐसा लाइफ का जगह आपका मोबाइल ले चुका है, और आने वाला फ्यूचर इसी तरह से आपको और भी आपका लाइफ को कन्वर्ट करना है। मैंने सबसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको जो सिलेबस में है वो मुझे एक साथ कुछ एक्सटर्नल एजुकेशन जो बच्चों को आगे चलते रिक्वायरमेंट होगा, एडमिशन होता है बच्चों को लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे पैसा भी हो, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए, पैसा भी हो छुट्टी हो, चाहे आपको उसके लिए एक स्टेप थोड़ा सा साइड से भी लेना पड़ जाए आप हमसे, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन करिए, चाहे इस स्टेट में हो या दुनियाभर में हो, आप अपने बच्चों को एजुकेशन करिए, क्योंकि यही एजुकेशन है जो कल हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, यही एजुकेशन है जो हर चीज में हमारा जिंदगी में हाथ बढ़ा सकता है, हमारे साथी बन सकता है और हमारा दोस्त बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर पहुंचे और हम लोगों के बीच एक कीमती समय दिया, मैं इनके लिए सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि ऐसे सर को बहुत ही कम समय मिलता है जो इधर उधर किसी भी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, लेकिन इतना दूर से चलकर घर तक पहुंचा और घर से मेरे दरवाजे तक आया, मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। तो इसी बीच में बुलाना चाहूंगा एमडी आशीष को इंग्लिश स्पीच के लिए। एमडी आशीष इंग्लिश स्पीच के लिए। गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड एरियल कोचिंग सेंटर प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ ऑल स्टूडेंट आवर गेस्ट एंड एरियल फ्रेंड्स विच सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 5th सितंबर एवरी ईयर इन इंडिया। You know that 5th September is the birthday anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was a great scholar and a teacher. His children is their mind and life. They are through their achievements and advise their thoughts, inspire a lot of knowledge and truth. As we light the path, we build our youth for our future. When I tell you, it's just you beat me, it's my...